यहाँ से कैसे चल सकते हैं? शायद हम घूम जाएंगे, हमें वेट करना चाहिए। वेट किस लिए सनम? और मेरा काफी अच्छा सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ट्रस्ट मी। क्या तुम कार से मेरा कोड दे सकती हो प्लीज? और चाबी भी। हाँ जल्दी करो प्लीज। मैं इन पेड़ों पर भरोसा कर सकती हूँ पर आप पर नहीं। चलो। हाँ मैं आ गई। कार को यहीं छोड़ देते हैं। ये लीजिए मेरा हाथ। संभल के अपना फुट वहां पर रखो, ये काफी स्लिपरी है। तो इसलिए तुम क्या? कुछ नहीं, तुम अपने फ्लावर्स ले लो फिर हम चलते हैं। ठीक है, इतने काफी है। मुझे कितने सारे काम करने हैं पर मेरे पास सफिशिएंट लोग ही नहीं है हेल्प करने के लिए। प्रिंटिंग करना है, फोटोज को डिजाइन करना है, ये सब कौन करेगा? मिस डेरिन, ऐसा करते हैं कि आप मुझे पहले जैसी धमकी दिया करो, जैसे जेजे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, जेजे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, उस तरह मैं उस स्ट्रेस में अच्छा काम कर सकता हूँ। और हाँ, वो एक तरह का रोल प्लेइंग रहेगा। क्या आप समझ रही है? मुझे नौकरी से निकाल दो मिस डेरिन, निकाल दो प्लीज, निकाल दो। बकवास बंद करो तुम। हाँ सच में तुम चुप करो। तुम अब इस कंपनी के पार्टनर हो और कहीं ना कहीं बॉस भी हो, तो तुम चाहो तो खुद ही अपने आप को इस जॉब से निकाल सकते हो। तुम्हें पता है मुझे बहतीन भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मजा आ गया सुनकर। जरूरी नहीं है समझे मुझे प्लीज। चलो ना भाई चलते हैं, जल्दी करो यार, बहतीन भाई से जाकर मिलते हैं ना। हाँ, चलो जाओ यहाँ से, तुम वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं करते, मैं यहाँ अकेली काम करती हूँ। चलो भाई, मिस्टर बहतीन हमारी राह देख रहे होंगे। मैं बॉस हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ, ठीक से काम करो। उसने वैसे भी तुम्हें परमिशन दे दी ना। गुड। ओ, कितने मजे में बैठ के कुछ पढ़ रहे हो तुम। आप कौन से ग्रेड में हैं? आह मिस्टर जान सनेम, मिस्टर जान सनेम। आइए वेलकम। हमें कुछ काम है, हम वहां जा रहे हैं, आपको भी काम होगा। सनेम तुम कहाँ थी? मैं बहुत ही परेशान हो गया था, तुम अपना फोन भी भूल गई थी। वो हम जानेर को जंगल में ढूंढ रहे थे और फिर हम लेट हो गए तो अंधेरे में वापस नहीं आ सके, इसीलिए अभी आ रहे। खैर हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि तुम ठीक हो। जान, हमारे पास ढेर सारा काम है, हमें जल्द से जल्द प्रिंटिंग प्रोसेस करनी चाहिए, मुझे डिजाइन्स बनाने हैं। क्या तुम सनम की फोटोज पर काम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है सनम, क्या तुम खुद की फोटोज खुद चुनना पसंद करोगे? श्योर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं सनम, अगर तुम चाहो तो। हाँ डरन, लैपटॉप का मुझे एक जरूरी काम है जो मैं कब से पोस्टपोन किए जा रहा हूँ। हाँ जरूर, आप मेरा यूज कर लो, मैं टेबल पर काम करूँगी। ओके ठीक है, मैं जाकर नहा लेती हूँ और वापस आती हूँ, तब तक आप काम कर लीजिए। अच्छा मैं जाती हूँ। उन्होंने एसोसिएशन से बात कर ली है, हमें पहले प्रायोरिटी भेजनी होगी उन्हें। वो सब रुक सकता है, पहले कुछ जरूरी काम है जो मुझे करना है। हेलो, मिस डेरिन ने मुझे दिया था और मैंने इसे देखा तक नहीं था, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो हम दोनों मिलकर इसे चूज कर लेंगे। बैठ जाओ।
ये तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। बुक के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? इसमें तुम्हारे चेहरे के सब अलग अलग एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, तो बेस्ट कौन सा है? मैं राइटर हूँ, ऐसा दिखना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। उसके बाद ये वाला, मैं इसमें एकदम राइटर की तरह दिख रही हूँ। सनम, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। मैंने दो इनएक्सपीरियंस लोगों को बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा, ये देखो। अरे ऐसा भी क्या हो गया, ये अपने कंपनी के भलाई के लिए तो किया है हमने, कोई गलती थोड़ी की है। हमने वहाँ जाकर नौकरी की, वहाँ पर प्रोजेक्ट को समझा और देखो कितना सक्सेसफुल हो गया वो। अब उनकी शॉप को बच्चा बच्चा जानता है, पता तुम्हें? मुझो, हम कमर्शियल्स बनाते हैं कंपनी के लिए, ना कि अपने लिए। अब से तुम दोनों कहीं मत जाना कोई भी बिजनेस मीटिंग्स के लिए। मेरी गलती हो गई और मैंने तुम्हें बजट के बारे में बताना चाहिए था, ये लो। लेकिन हमने ये सब अपने लिए नहीं किया है, अपनी कंपनी के लिए किया है। गुड, मुझे अच्छा लगा, गुड, तुमने समझ लिया मेरे दोस्त। मैं ये पैसे दीवार पर टंगाऊंगा, पहले कमाइए। जे, हाँ, तुम नेगेटिव वे में बोल रहे हो और मेरा जो मेडिटेटिव एरिया है उसे भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ, हेलो हेलो मिस डेरेन। जी, मुझे माफ करना, मैं जानती थी तुम उनमें से नहीं हो जो हमेशा नेगेटिव एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। मुझे पता है मेडिटेशन से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यार मुझे मुझे बताओ क्या चल रहा है। और सनम, पीछे पीछे समझ में आ जाएगा तुम्हें। मिस डेरेन, यहाँ बहुत शोर है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। देखो, ठीक है मेरे दोस्तों, ये फिक्री हरी का कंपनी की पहली कमाई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रॉफिट्स की पड़ी है, लेकिन इसकी अहमियत समझो। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, ये बात मत भूलो। इसे देखो और याद रखो, आज हमारी कंपनी ने उद्घाटन कर लिया है और ये नोट उस चीज की गवाही देता है। पागलपन है, मैं बहुत नाराज हूँ। ब्रावो, थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है गाइस, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पूरी टीम को। अरे मिस्टर जॉन, आप भी आ गए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिस्टर जॉन, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। गुड फॉर यू, नाइस। सनेम, तुम ठीक तो हो ना? ओ, ये कितनी अच्छी फोटो है, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। इसलिए रो रही हो ना क्योंकि जान ने फोटो ली? अरे इसे देखो तो जरा, पिछले साल जब मैं खुद की आंखें आईने में देखती थी तो मुझे वो काफी उदास लगती थी, और जान यहाँ आए और उन्होंने मेरी काफी सारी फोटो खींची जो कि बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, तो तुम जान से बात करो ना, उन्हें ये सब बताओ, कहो उनसे। मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुमने बहुत कुछ पहले भी किया है ना। देखो तो एक बार। हाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन शांत हो जाओ, ठीक है? सब बहुत अच्छा है। पिछले साल में एक भी फोटो अच्छी नहीं आई थी, ये देखो कितनी अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी है। ओ, इसमें तो तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। सुंदर तो छोड़ो, मेरी आंखें देखो कितनी अच्छी है। हाँ अच्छी तो है, चलो मैं इन सबको इकट्ठा देखो। हाँ मैंने सारी देखी, सब ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे सबको गैदर तो करना होगा ना, तभी तो हम जाकर ये सारी फोटोज देखेंगे, ठीक है? ओके, मैं उसे भी देख लूंगी, हम आराम से इसे देखेंगे सनेम, ठीक है? मैं तेरा ही वेट कर रहा था।
तुझे पता है इसमें क्या है? जान प्लीज। क्या मैं सनम को बता दूं कि उसकी बुक तूने चलाई थी, या तू उसे सब कुछ बताएगा? तुम उसे वापस नहीं पा सकते। तुम ये जगह छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। जहां से आए थे वहां जाओ ना। वो क्यों? क्या तुझे डर लग रहा है कि ये जो एक साल से तू खेल खेल रहा है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, सनम ने मुझे स्ट्रांगली सपोर्ट किया है और मैंने भी किया था। सनम को मेरी जरूरत है। अबे सनम को किसी की जरूरत नहीं है। जान प्लीज मेरी बात सुनो, वो मेरे लिए स्पेशल है। बहुत प्रेशियस हा? पागलों की तरह प्यार करता है ना? बुक क्यों चलाई और ब्लेम मुझ पर क्यों डाला? तुझे पता था ना उसमें सनम की फोटोग्राफिक यादें थी, उसने जल्दी से वापस बुक लिख ली। जान तुम मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो। वो पहले जैसा जान नहीं रहा। तू तो मेरा गुस्सा भी डिजर्व नहीं करता बे। जान प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो मुझे माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ तू कायर है और कभी कन्फेस नहीं करेगा। तेरी औकात ही नहीं है, मैं उसे बताऊंगा। जान जान प्लीज रुको जान। ऑलराइट, मैं सब कुछ बता दूंगा सनम को। जान मैं सनम को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम क्या कन्फेस करना चाहते हो? बताना चाहते हो मुझे? ऐसी कौन सी बात है सनम? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है, चलो चलते हैं। तुमने साल भर अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई है, लेकिन अब तूफान के वक्त तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है। प्लीज वहां बैठो सनम। इगित क्या हुआ? बैठो ना, बताता हूँ। पिछले साल हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए एकदम बदल गई है। शुरुआत में मुझे सब फ्रेंडली लग रहा था, फिर तुमने सब कुछ बदल दिया सनम। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सॉरी, मैं चाहता हूँ अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ शेयर करूँ। आई लव यू सनम, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जस्ट अ सेकंड इगित, मैं तुम्हें समझ नहीं सकती, ये तो मुझे क्यों बता रहे हो और ये सब कब हुआ? सनम, ये सब मुझे भी नहीं पता था। समझ नहीं आ रहा, ये सब अचानक हो गया। मुझे पता था तुम्हें जान के लिए फीलिंग है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से रोज उसके लिए तारीफ सुनता था और मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता था सनम। सही में तुमने वो बुक पब्लिश की थी? यस, मैंने किया था और ये करता रहूंगा हमेशा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सनम। मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है सनम। समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मुझसे शादी कर लो, हम साथ में रहेंगे सनम, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। एक मिनट सुनो, तुम कंफ्यूज हो। हम अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें अलग वे में मुझसे प्यार हुआ है। सनम प्लीज इस बारे में एक बार सोचो। क्या जान ये जानते हैं? ये क्या कह रही हो तुम ऐसा कह रहे थे कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहते हो और वहाँ जान तुम्हारे साथ थे और अभी तुमने मुझे प्रपोज किया, तो क्या जान वेट कर रहे थे इस प्रपोजल का कि मैं आंसर दूंगी? मुझे बताओ ही। सनम, इस सब्जेक्ट को अभी के लिए छोड़ देते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो सनम। इगित, हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है सनम। तुम शांति से सोच लो, तुम अभी कंफ्यूज लग रही हो। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। हम दोनों एक साथ बहुत ही परफेक्ट है सनम। सनम सुनो। सनम,
उसने बता दिया? हाँ उसने कह दिया। क्या ये बात आपको अच्छी लगी? सनम, जब अंदर ही गीत मुझसे बात कर रहा था तो क्या आप यहाँ से देख रहे थे? क्या आपको मेरी कोई परवाह नहीं? मैं अपना दिमागी संतुलन खो दूंगी। तो तूने कन्फेस नहीं किया? तुम्हारे पास कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मुझे जाल में फंसाना चाहते थे जान, बस। नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मैं बेकसूर हूं और वो बुक तूने ही जलाई है। अब मुझसे बचकर कहां जाएगा? तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, सनम सब कुछ समझ गई है, डोंट वरी। तुझे किसने इन्फॉर्मेशन दिया? ये तुझे किसने बताया? ये सब मत करिए गेट। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? मार डालोगे मुझे? तो मारो ना, मारो। क्या हुआ जान? अब मैं तेरी जाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। तूने सनम को क्या कहा? क्या कहानी बनाई? सनम जान, मैंने सनम को अभी अभी प्रपोज किया है। मैरिज प्रपोजल, वेरी गुड। अबे मैं पहले दिन समझ गया था कि तू उसे चाहने लगा है। तू दोस्त होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। तू एक झूठा इंसान है यार। तू पैनिक हो जाता था और अब तेरा पागलपन बाहर आ गया है। तू इतना रिग्रेट करेगा ना कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। मैं सनम को कन्विंस करके मानूंगा। सनम सिर्फ और सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैं उसे सब कुछ दूंगा जो तुम उसे नहीं दे पाए जान, समझे? सनम ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया यगेट। तेरी उतनी औकात नहीं है। जितना जल्दी समझेगा दिमाग सही रहेगा। My dear friends, कल हमें प्रिंटिंग्स मिल जानी चाहिए, सनम और बाकी राइटर्स की बुकलेट्स भी। हमें सब मिलाकर बुक तैयार करनी है, प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। मैं सभी पेमेंट का ध्यान रखूंगा। मैंने फॉर्म के लिए लिस्ट बनाई है, हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। तुम इस कॉपी का ध्यान रखना और उसका भी। हाँ ठीक है, ये काम मैं कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, हमारी यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही थी, क्या तुम कोई दूसरी जगह काम कर रहे थे? हाँ हम भी काम कर रहे थे, तुम डिस्टर्ब हो गई क्या? बुलुत, मेरे होशियार भाई, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। माना कि ये एजेंसी गार्डन के बीच में है, लेकिन है तो सही ना। तुम्हें बात करना है तो वहाँ जाओ, बहुत जगह है, हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। जाओ यहाँ से, बेशरम करके। सनम, सनम यहाँ आओ, हमें जरूरत है काम करने की। अरे लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इन स्टोन्स की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, लोगों के एंकल्स भी ट्विस्ट हो जाते हैं। अरेंज करनी होगी। चलो नोट करो इसे। हाँ नोट कर लिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ ग्रास। ग्रास? हाँ ग्रास, मैं खेतों में गई थी। सही है, सही है। मैंने वहाँ कुछ ग्रास इकट्ठा की, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अच्छी होती है। हाँ यस, ये अच्छी होती है। यस, तुमने वो कर लिया और तुम्हारे हाथ में घास है और फिर से तुम वही करना चाहती हो, क्यों? मैं यही चाहती हूँ कि बाकी लोग भी इसी तरह खुद को डिस्ट्रैक्ट करे। ओह, उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। ओ नहीं नहीं, कहीं तुम्हारा मतलब वो तो नहीं ना? सनम, क्या हुआ? सनम क्या हुआ बताओ मुझे, कम ऑन, क्या हुआ? सनम बोलो प्लीज, बोलो भी। इगित ने मुझे प्रपोज किया। क्या? और जॉन डेविड को मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, जैसे कि वो मुझे जानते ही नहीं है। उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, जबकि उन्हें सारी बातें पता थी। उन्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे कुछ कहना है, तुमने इगित से क्या कहा? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जॉन डेविड का क्या? उन्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है, वो मुझसे ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मैं उनके लिए कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में पहले? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इस बारे में? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या?
तुम मुझे जानती नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे लिए एक अजनबी इंसान हो क्या? अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या हाँ? मैं भी तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ। लेकिन अगर मैं हाँ कहती तो क्या हाँ? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए रहना चाहती हूँ। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ओके, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। शांत हो जाओ सनी, गहरी सांस लो। हो गया यार, इसका तो हद हो गई। बोलती जा रही है, अभी बोलती जा रही है। शांत हो जाओ। गार्डन में छोटी छोटी बात होती है यार। कुछ भी हो जाए, सनम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। डरन एक मिनट, क्यों नहीं करेगी? वो जिगित कोई मामूली नहीं है। हो सकता है वो एक साथ खुश हो। वो क्या कह रहा है? अरे लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? सनम बड़ी है और खुद के फैसले खुद ले सकती है। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगी, इकिट बहुत डिसेंट और प्रॉपर इंसान है। डेनिस, अब मेरे पेशेंस की हद हो चुकी है। तुम सोचो जरा, तुम क्या कह रही हो, समझी? सोचो जरा। तुम्हें आखिर क्या पता है गीत के बारे में? तुम कैसे उसके बारे में बोल सकती हो? मैं क्लिनिक से उसे जानती हूँ, मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छी दोस्त हो ही नहीं सकता। हमने हमारी जॉब छोड़ दी सनम और जान के लिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया उन दोनों के लिए। ओह गॉड, अब मेरा बीपी बढ़ जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं, सारे के सारे पागल हैं। हम पागल चलते हैं यहाँ से, सच में। क्या उसने मुझे पागल? हिम्मत है तो मुंह पे बोलो। पागल हो? हमारे बारे में कुछ भी कैसे कह सकता है कोई? हमें पागल होने पर नाज है, ऐसी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। नो मैनर्स। मैं जाकर सनम को देखता हूँ। ठीक है जी जी, कम ऑन। मैंने ईमेल्स चेक किए थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिप्लाईज, और मुझे बताना होगा। वैसे गुलीज कहाँ है? कहाँ है गुलीज? वो यहाँ क्यों नहीं है? क्यों? वो किसी न किसी की चुगली कर रही होगी, उसे यहाँ होना ही होगा, ये उसकी जॉब है। उसकी जॉब है क्या? जॉन एजेंसी में आने वाले हैं? तुमने मुझे कंफ्यूज किया है, और उसके बाद तुमने अयान को कोई रिप्लाई नहीं दिया। सनम, क्या मैं आ सकता हूँ? किसे मैसेज कर रही हो? आयान। आयान, क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा कि मैं गीत का प्रपोजल एक्सेप्ट करूं ताकि जान पागल हो जाए। मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो चुका है। ओ नहीं, सच में? कैसी एडवाइस दे रही है? पागल हो गई है वो। वो ऐसी एडवाइस देगी, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। जान भाई भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम यिगित से शादी करो। वो कभी मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन यही बात सच है। तुम्हें पता है वो जैसे इंसान दिखते हैं ना, वो वैसे है नहीं। वो अंदर से बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान है। वो वैसे भी चले जाएंगे। क्या मतलब? वो केयर करे या ना करे, वो वैसे भी चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, वो चले जाएंगे। मतलब अभी तक तो वो जा भी चुके होंगे। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। वो जा नहीं सकते हैं। उनकी शक्ल ऐसी बीमारों वाली हो गई है, जैसे उनकी झोपड़ी जल गई हो या उनका जहाज डूब गया हो। वो बूढ़े होते ना, जो खांसते रहते हैं। इस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो तुम। मेरे अच्छे दोस्त, ये अच्छा है कि तुम मेरे पास हो। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जान का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और तुम्हें बताते रहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारे कान के अंदर के बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बुरी आत्मा के बाल हैं। तुम यहीं पर रहो। हाँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। आयान को मेरा हेलो कहना, बोलना कि मिस कर रहा हूँ मैं उसे। मिस्टर जॉन, जेजे सब ठीक है? मिस्टर जॉन, क्या आप मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ? यिगित ने सनम को प्रपोज किया, और उसने अब तक मना नहीं किया। क्या उसने मना नहीं किया? नहीं, अब तक तो नहीं। क्या मतलब है इसका? क्या बोल रहे हो? उसने अब तक उनसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। जेजे, मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ, तो प्लीज अगर सीधे सीधे बात करोगे तो अच्छा रहेगा। मिस्टर जॉन, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जीवन से संघर्ष करने वाले वो दो पंछी जब यकीन के दरिया के पास आते हैं, अगर वो दोनों साथ में हैं, तो ही यकीन का दरिया उन्हें वहां से जाने देगा, नहीं तो वो दोनों लापता हो सकते हैं। और उसके लिए उन दोनों पंछियों को एक दूसरे पर यकीन करना होगा, और अपने आप पर भी। लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के जीने का तरीका अलग है। क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, और उसका दिल भी टूट चुका था। I'm young.
Sessizliği bozan bir şarkı mısın? Ki çalmamışsın. Ruhum solmuş. Hafiften esen bir yaz günümü İlkbahardan Sürgün müsün? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün de açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse लेकिन उनके पीछे कोई और था। अगर वो खुद को पीछे मुड़कर देखते तो पता चलता कि उनमें कितनी ताकत है जिससे वो फिर से उड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन बना बेखलीम हबर मिसिन किलान में मिसिन अपन काम Hayatıma düşen ilk cemre misin? Ama düşmemişsin. Kuşlar göçmüş. Geçmişten kalan hatıram mı? Gelmez dediğin günlerin misin? Seni bana yollar. क्या झूठ कहा सनम को? क्या स्टोरी बनाई? सनम सनम अभी अभी मैंने सनम को प्रपोज किया है जान। जब ये मुझसे बात कर रहा था तो आप दरवाजे पर खड़े थे ना? क्या आपको मेरी कोई चिंता नहीं? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। Kalbim yansın Bana gelmeyen Günler baksın İstersen kalmasın तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई थी। क्या सनम? मेरा एक फ्रेंड है जो समंदर में डाइविंग करने के लिए गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लगता है वो डूब गया होगा। तुम्हारा दोस्त? हाँ। और ये सीजन डाइविंग के लिए सही नहीं है और समुद्र का पानी गर्म होता है। अगर मेरा दोस्त ठंडा पड़ चुका होगा तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी ठंड लग रही है। मुझे यहाँ से जाना होगा।